अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मेरे एक स्टूडेंट हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं अभी मस्जिद में कुछ रांझा रज़ी करने आया था, क्योंकि अल्लाह भी एक रांझा है जिसको हम हीर की तरह राज़ी करते रहते हैं। और इन्होंने मुझे कहा कि बुल्ले का कुछ सुना दीजिए। मैंने इनको बुल्ले का कुछ सुनाया। ईशा हुसैन का कहेंगे तो नहीं सही है, उससे नैना दे आँखें लगे सुना देंगे। ये नाज ख्यालवी का कहेंगे तो हम इनको सुना देंगे जी तुम ही गोरख धंधाओ। ये शिव कुमार बटालवी का कहेंगे तो हम इनको माए नहीं माए सुना देंगे। ये अगर कहेंगे उसके अलावा बाहू का तो हम इनको वो भी सुना देंगे। और काफ़ी सारे कलाम हैं, लेकिन चलें आप तो मैं अपना कलाम सुनाना दिखाएं जी कौन कौन से हमारे सामीन हैं और ये कहाँ खड़े हैं, एक मस्जिद से बाहर और एक मस्जिद के अंदर। और इन्हें भाई और ने उन्हें किया जी वजू कर लिए, ताज़ा वजू होना चाहिए। मोमिन जोड़ा है ना वो 24 घंटे भी वजू रह सकते जो मोमिन हो गए। साडे बुजुर्ग सन पुराने वाह इमाम अबू हनीफा सन, जुनेद बगदादी सन, हसन बसरी साहब सन, रावे बसरी साहब सन, वो तो भाईजन इशा दी नमाज पढ़ते सन, फिर तहज्जुद की ते फजर की, वो तो रही हर टाइम वजू करते सन। जो इश्क नमाज नीति हो ना तो ना पंज ना छेवीं तहज्जुद ना सतवीं चाश्त ना अठवीं ना बबे नौवीं ना तैयतुल मस्जिद तो ना तैयतुल वजू, 11 नमाजों की लड़ नहीं पैंती। मुंडा हर टाइम ही वजू होता है, मुंडा हर टाइम ही सजदे होता है। तो जिते मोमिन सिर डा दे उत्थे काबा बना दिंदा, किबला बना दिंदा, क्योंकि नुसरत फतेह नहीं अपनी। ये मेरे जुनू का है मौजज़ा कि जहाँ अपने सर को झुका दिया वहाँ मैंने काबा बना दिया। चलो जी थोड़ा जहा कलाम तुम ताज़ा सुना देना। ये इस रजब की देन है, क्योंकि रजब जड़ा है ना चढ़ता है जख्म नू 13 तक आके जिसने मौलूदे काबा आ जाता है, अली अली हो जाती है हर पास। ठीक है जी, तो नबी तो पहले अली तो दरवाज़ा है ना, लंघ के जाना है जी। जे नहीं लंघे तो फिर तुम रह जाओगे। 13 तक जो पता कि चलो 14 आ जाती है, चंद चुप पूरा हो जाता है। फिर जो चंद जो चलता है अगे 27 तक फिर की आती है मिराज आती है जी। फिर जनाब 15 दिन गुजरते ने शबे बरात आ जाती है। अज शबान की किन्नी बन रही है, अज 21वीं है शायद, 9 दिन रह गए। तो कोई मसला ही नहीं कुरान पढ़ इन्हों, कल मैं लैक्चर दे रहा था इतने, इन्होंने लैक्चर से जाली खबर थे खबर कैसे तस्दीक की जा सकती है। तो इन्होंने मैं सिर्फ एक आयत दसी सी कल, मैं कहा जी 6248 आयत ने कुरान दिया, किसी ने जबानी याद रखना 6666 किया, लेकिन वो गलत है। 6248 आयत ने सारी कल गलबात हुई सी, तो वह मैंने दसिया कि जी तुम खोलना की है 49 नंबर बेटा आपने आयत खोलनी है, अपना सूरत खोलनी है, अब उसकी 6ठी आयत है ठीक है सूरह हुजरात की। सारा कुछ उसने नतारा किया है कि ए ईमान वालों मुखातिब जाइए और नाश नहीं किया जाइए लोजी ना अमन अलहदा है जाइए लोजी ना अमन अलहदे तो जिते भी गल हों ना फिर जाइए लोजी ना अमन वाला जी ना हाथ बन सारा सूरा बकरा 62 नंबर मौजू हो रहा है ठीक है। या सलूना का जाना जिथे आंदा 14 मरतबा सूरा बकरा मौजू हो रहा है। वाओ आंदा जिथे कुरान कसम आंदी है, नून आंदी है, वल कलम आंदा है, वल असर आंदा है, वल जोहा आंदा है। दिखाओ जरा सूरज दिखाओ, ये व शम्स व जोहा ठीक है जब। और अभी भी आपको शायद चांद भी नज़र आ जाए, क्योंकि चांद भी आजकल सर्दियों में आपको दोनों तरफ नज़र आता है, तो वो वल कमर इजात ला है ठीक है। तो ये तमाम की तमाम है जहाँ पर कुरान ने हरफ वाओ लगाया है, सोचें व तीन सोचें, व जैतून सोचें, वल अस सोचें, वल कलम वमा यस्तरून सोचें। जहाँ पर भी रमज़ान में इंशाल्लाह एक प्रोग्राम भी PTV से हम करने का इरादा रखते हैं, अल्लाह करे हो जाए। और उसके अलावा अगर आप YouTube पे देखते हैं तो PTV के बहुत सारे प्रोग्राम मैंने पहले भी कर रखे हैं। मैंने 2017 में एक प्रोग्राम किया था जिसका कल आपको बताया कि मेराज जो है वो नज़र इजाफत आइंस्टाइन का जो नज़रिया है वो मुताबिक इसे हॉल इस कल मैं सिर्फ 2 सेकेंड में इतने 30 सेकेंड में पूरे हाल में दसिया कि मेराज साइंस कैसे कर सकती है। ना मनो तुसी ना मौजे नू मनो, मैं तुम्हें साइंस तो मनवाना। 3 गल्लां लिखिया ने ते इन्हां दे सारे प्रोफेसर बैठे सन, इस्लामिया वाले भी बैठे सन। तो जाली खबर की गल हुंदी है सूरह हुजरात की 6वीं आयत पढ़ लो खत्म ठीक है। मिराज की गल हुंदी है वह भी हाजिर है, कोई गल करो तुम कहना कि एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स मिजाइल कैसे जमीन तो बाहर जाता है, इला भी सुल्तान सूरह रहमान काढ़ लो ठीक है। फन फजू है ना गल, तुम निकल नहीं सकते। तो सिर्फ इंसानों ने नहीं किया या माशरल जिन्नों वाले इंस किया कि तुम नहीं निकल सकते,
इला भी सुल्तान लेकिन थोड़े को एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए मिजाइल की ताकत होकर निकल जाओगे तुम तो मैं ये दसो एक छोटा जहा रिमोट जिदे एक सैल दो सैल पैदे ने तो वो 250 अनासर नहीं होंगे वो टोटल 5 अनासर होंगे ने की होंगे एक टोपी जी होंगी सिल्वर की मैटल की एक वो कार्बन का राड होंगे एक वो भरत होंगे उत्ते जरा जस्ती चादर होंगी पाँच तो छः चीज़ा होंगे ने तो यूरेनियम भरया भाई रावल टाउन की मस्जिद 46 साल लगे ने मिराज का वाक्य सारा दसने के बाद फिर कह रहे अस्सलाम वालेकुम जी सोलर प्लेटें लगानी है मस्जिद में तो उसके लिए चंदा दें ओ भाई तू पूरा सोलर प्लेट है तू लै मस्जिद तू लै एनर्जी तेन सोलर मोमिन सोलर प्लेट की लड़ है ठीक है पुत्र मेरा फिर है मेरे नाल मैं कहना बाबा मैं भूख लग रही अमरूद खाऊंगा मैं तू डायरेक्ट फ्रैश अमरूद खा इन्हें अमरूद बनाना है फिर तू अमरूद खाना है फिर तू हजम करना फिर लगना तू डायरेक्ट सोलर एनर्जी लै तू क्यों असफल असाफरीन बनना तू आसानी तकरीबन बन तू हवा तो पानी पी 800 किलोमीटर चलता है एक हमिंग बर्ड परिंदा है छोटा जहा बहरा ओकेनूस बहरा कुलजम हर शह क्रॉस करता है 800 किलोमीटर चलता है सौंदा भी उड़ते अद्धा दिमाग सौंदा है अद्धा जागता है ठीक है वो बाद पतंगे खाता है रस्ते समंदर का हवा का पानी पीता असं कितने रह गए अभी बहुत पीछे रह गए सिर्फ कथा सुनाता हूँ लिखे वो बाकी आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा मेरी ये नस ये मैं कौन हूँ वही बुले वाली गल है जी जरा तुम पूछा भाई ने दिखा दे जाना की फरमाइश हैगी ठीक है जी जी इन्होंने कहा जी बुला सुनाओ तो मैं तुम्हें अज का बुला सुना तो बुला भी हाँ तो भुला भी हाँ मैं कौन हूँ मैंने एक शेर लिखा था कलमा चौक के मीनार के नीचे मुल्तान में बैठ के स्टेट बैंक के बिल्कुल सामने 1999 में पहले आपको उर्दू का वो शेर सुनाता हूँ और आज 1999 के बाद 23 यानी कि 24 साल के बाद क्या तब्दीली आई है वो भी आपको बताता हूँ उस वक्त मैंने क्या लिखा था उस वक्त मैंने लिखा था मैं कौन हूँ मैं मौसम खिजा का शाख से जुदा हुआ पत्ता एक जर्द सा मैं मौसम खिजा का शाख से जुदा हुआ पत्ता एक जर्द सा यह सर्दियों की कोहर का रातों में ठटरता ख्याल एक सर्द सा ये वोदा पहला शेर से मैं मौसम खिजा का शाख से जुदा हुआ पत्ता एक जर्द सा तो इनू पत्ता जर्द की कहना है शाख शोदी की कहना है अस पीले पत्र दरख्तों के सगुरान खौफ हवावान कहीं को नाज अदावान तो कहीं को मान वफावान अस पीले पत्र दरख्तों के सगुरान खौफ हवावान उस इस तरह के खौफ होते थे और आज 24 साल के बाद कई और मंजिलें तय की हैं और चीज़ें भी हैं तो आज मैं क्या कहता हूँ आज हमारी मुलाकात पहले कभी हुई है जी नहीं हुई है दसो जी कदों हुई बसर नहीं हुई इतने हुण हुई है ना ये असी खड़े योमे बसर इस तो पहले हुई है योमे नफूर है हुई है योमे अलस्तज हुई है नहीं हुई योमे अलस्तज नहीं हुई सबक पढ़ो हाले तुसी योमे अलस्तज की होया सी सारी रूहां इकट्ठा कीतियां से मौले ने मौला पाक ने बिल्कुल की किया सी अलस्तो रब्बे को ते सी सारे रल के की किया सी कालू बला तुसी भी इकट्ठे सो मैं भी इकट्ठा सा ते कीरा तेरा भी बड़े हसन हसन भी नाल सी देखो ना अगर हसन बिन साबित नबी दे कोल हो सकदा है ये सारे उन्होंने परतों ने ठीक हो गया थोड़ा की ना है शहजाद शहजाद की ना है जी तो भाईजान ये अल्लाह के सारे रंग ने सिफकतुल्लाह अमन आसान है सिफकतुल्लाह नबी के पीछे चलो अतीउल्लाह करो अतीउ रसूल करो हर शह मिलती जाएगी तुम कलाम भी अच्छा आएगा तुम्हें मकाम भी अच्छा मिलेगा तुम्हें हर शह तुम मिलेगी ठीक है ना तो कलाम फिर बाद गल बहुत सारी होंगी ठीक है जी गल फिर गल